जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज एक खुशी का दिन भी है और मानवता फिर से शर्मसार हो गई है और दुख का दिन भी है, खुशी का भी है और दुख का भी है। ये किस तरह से दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल है तो वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबको पता है और जिनको नहीं भी पता होगा तो प्लीज़ आप क्या करिए, आपने गूगल करना है। गूगल में जाके आप ये देखिए कि एक गोट का प्रेगनेंसी पीरियड है जो वो कितने मंथ्स का होता है। तो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 5 महीने का। जिन्हें नहीं मालूम ये बात उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि एक काओ है वो 9 मंथ में डिलीवर करती है, जो डॉग हैं वो 62 डेज में डिलीवर करते हैं और जो गोट है वो 5 मंथ में डिलीवरी देती है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप ये रील देखिए, ये रील हमने तब डाली थी 16 दिसंबर 2019 को, ये रील हमने पोस्ट की थी जब हम ये रिद्धि सिद्धि को बचा कर लाए थे। तो ये रिद्धि सिद्धि को हमने बचाया था और अब जो खुशी की बात है वो ये है कि हमारी रिद्धि ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जस्ट अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, हमारी रिद्धि है जो वो माँ बन गई है। इसने एक बहुत ही छोटे बहुत ही क्यूट एक मेल बच्चे को जन्म दिया है रिद्धि ने। और दोस्तों आज जो डेट हुई है वो 14 अप्रैल हुई है। तो अगर हम देखें दिसंबर से लेके अप्रैल तक, तो दिसंबर 16 ऑलमोस्ट 14 अप्रैल, तो दिसंबर से जनवरी 1 महीना, जनवरी से फरवरी 2 महीने, फरवरी से मार्च 3 महीने और मार्च से अप्रैल 4 महीने। तो जो हमने कसाई से इसे परचेज़ किया है तब रिद्धि के पेट में एक मासूम की और जान थी। तो दोस्तों हमने सिर्फ रिद्धि सिद्धि को ही कटने से नहीं बचाया, रिद्धि सिद्धि के साथ में एक मासूम और भी था तो उसे भी हमने कटने से और इस लाइफ में आने से पहले ही बचा लिया। तो देखिए ये माँ किस तरह से अपने बच्चे को, अपने लाल को प्यार कर रही है। यहाँ पर आप देखिए अभी रिद्धि ने बच्चा दिया है, क्योंकि कई लोग ये भी कहें कि यहाँ पर आके ये प्रेग्नेंट हुई होगी, इसीलिए मैंने वीडियो के जो डेट है जिस दिन हम लाए थे मैंने उसी दिन वीडियो बनाकर पोस्ट किया था और वो वीडियो की डेट आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने दिखाई है। और रिद्धि सिद्धि ने मतलब खुद के साथ साथ एक ये देखो छोटा नन्ना बच्चा और इस धरती पर जन्म लेकर आया है। तो इसका नाम आप सभी हमें सुजेस्ट करें। ये राधा इसे मिलने आई है, ये नए मेहमान को, ये मेल काफ है अपने यहाँ का एक, और इसे भी कसाइयों के छुरे से भगवान ने नई जिंदगी दे दी। देखो कितना मासूम है, पता नहीं लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को काट कर किस तरह से खा जाते हैं। ये देखो माँ का मतलब यार दिल रो रहा है इस बात के लिए कि हमने सिर्फ 2 जान बचाई, परंतु देखो कि 2 नहीं ये 3 जान थी। एक ये भी था, इसका तो इस लाइफ में आने का ही मकसद था जो अधूरा रह जाता, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया क्या होती है। कसाई ने हमारी रिद्धि की अगर छुरा चला दिया होता तो ये तो बेचारा दुनिया भी ना देख पाता, क्योंकि ये 1 महीने का अपनी माँ के पेट में था और उसी के बाद में इसकी माँ को भी कट जाना था और इसे वो निकाल के या तो फेंक देते या फिर इसे भी बेच देते। तो दोस्तों प्लीज़ यार नॉन वेजिटेरियन है जो भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई बहन जो भी है आप मांस मत खाइए,
देखिए इन्हें कितना प्यार होता है अपने बच्चों से। और यहाँ पर अगर हम कहें कि सुअर मांसाहारी होते हैं, गंदे होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पिगी घूम रही है, राधा घूम रही है। और सीरियसली यार, मैं यहाँ नहीं था, अदरवाइज मैं डिलीवरी की भी वीडियो बनाता। यहाँ पर डिलीवरी हुई है ना, जब अभी जस्ट मैं आया हूँ और आते ही मैंने कॉल किया है साथ के जो लड़के हैं उन्हें कि रिधि ने बच्चा दे दिया है। हमें शक तो था कि ये बच्चा देगी, बट हमें ये नहीं पता लग रहा था ये कब देगी। और जो लोग सुअर को गंदा बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, ये देखिए हमारी पिगी किस तरह से इस मासूम के पास में खड़ी है। ना तो इसने रिधि को कोई हर्ट किया है, ना ही उसके बच्चे को हर्ट किया है। और दोस्तों अगर हम देखें ना कि बुरा कौन है, तो बुरा सिर्फ इंसान है इस धरती पे। ये सभी जानवर इतने खुश एक ही बाड़े में रह रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, इतने छोटे बच्चे को तो कोई भी मार के खा सकता है। इसे तो मतलब गाय भी इसके ऊपर पैर रख दे, पिगी भी इसको मुंह से बाइट कर दे, परंतु इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब तक मैं आया हूँ ये बच्चे को रिधि ने चाट के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। तो अब देखिए ये बच्चा अभी अपनी माँ का दूध पिएगा और यहीं पर इसी बाड़े में निकट के साथ में ही एक मेल और इसी बाड़े में ये बड़ा होगा। तो इसकी जो अटखेलियाँ हैं, इसकी जो मस्ती है इन बच्चों के साथ में, ये किस तरह से व्यवहार करेगा, और इसकी मौसी, इसके भाई बहन, इसके जो और रिश्तेदार हैं यहाँ पर, इनका क्या नेचर रहता है इस बच्चे के साथ में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बच्चे के लिए नाम भी सजेस्ट करें कि इसका क्या नाम रखा जाए। देखो कितना प्यार कर रही है ये अपने बच्चे को। शायद भगवान ने इसकी उम्र लंबी लिखी हुई थी। अरे छोटू तेरे तो दांत भी है पैदा होते ही। ये देखो, मतलब कौन कहता है कि ये सुअर होते हैं, ये गंदे होते हैं, बुरे होते हैं। पिगी बिल्कुल इसके साथ है, रिधि के साथ में इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बच्चे को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रही। कितना सॉफ्ट है ये बच्चा, फिर उठ रहा है, फिर अभी कच्चे पैर हैं, फिर गिर रहा है। मतलब यहाँ पर रिधि को सब सेफ नज़र आ रहा है कि यहाँ मेरे बच्चे को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा। पिगी नया बच्चा आया, पिगी है ना, नया बच्चा आया आज। ये देखो सो गई है मटोलो, नया बच्चा आया है यहाँ पर। ये बजरंगी का भी नया दोस्त आ गया है, बजरंगी इसके साथ खेला करेगा अब। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, इंस्टा पर लगाइए, ताकि लोग इस वीडियो को देख के, अगर एक भी बंदा वेज होता है तो हमारा जो मकसद है इन बच्चों को बचाने का वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है उन्हें कि हम तो नॉन वेज खाते हैं, ये नॉन वेज होते ही मरने के लिए हैं। तो ऐसे तो भाई इंसानों की भी आबादी बढ़ रही है, रेपिस्ट हैं, उन्हें क्यों नहीं काट के खाया जाता। इतने बुरे बुरे लोग हैं धरती पे जो एनिमल क्रुएल्टी करते हैं, उन्हें काट के क्यों नहीं खाया जाता। तो इंसान इंसान को काट के खा ले, वो ज़्यादा बेटर है, इनकी भी तो आबादी बढ़ रही है।
अभी कई लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं यार इनको नहीं खाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ये पैदा ही कटने के लिए होते हैं। तो ऐसा भाई कुछ नहीं है, ये हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए ये चीज़ें बोलते हैं कि ये पैदा ही कटने के लिए होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये स्टोरी इमोशनल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करिए। ये देखिए, ये इसकी मौसी आ गई है बच्चे की, बच्चे से मिलने के लिए। ये पिगी के पास में ज़्यादा रह के खुश है, अभी से दूध पिलाएंगे बच्चे को इसकी मम्मा का। ये भी ब्लैक वाइट कलर का है अभी ना, इसके जैसे नया बच्चा होता है तो इसके पैरों में जान कम होती है। ये ब्लैक वाइट नहीं है, इसके ना ब्राउन शेड है, ब्राउन शेड भी है इसके बॉडी में। ये देखो, ये चाट चाट के इसको पूरे अच्छे से इसने साफ कर दिया है। देखो किस तरह से, मतलब अगर ये होता है ना कि इंसानों को अपने बच्चों से प्यार है तो भाई बेजुबानों को भी अपने बच्चों से, बच्चे हर किसी को ही अपने अच्छे लगते होते हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, कीट पतंगे है, हर किसी को अपने बच्चों से जो है प्यार होता है। आरिदी, हाँ रिदी वीक हो गई है, बच्चा देखे देखो किस तरह से ना यहाँ पे बॉन्स आ गई हैं इसके बाहर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हैवी कर लेंगे अभी, है ना रिदी। रिदी की मेरे साथ में ना अटैचमेंट ज़्यादा है सीधी के कंपैरिजन में, शायद ये माँ बनने वाली थी इसीलिए ये ज़्यादा क्लोज रहती थी मेरे। बट स्टार्टिंग से ही ना रिधि का जो कनेक्शन है मेरे साथ में वो ज़्यादा बेटर रहा है एज़ कंपेयर टू सीधी। मतलब कितना स्वीट है ये बच्चा। अभी भी ये अपने बच्चे को लाड़ लड़ा रही है, उसको आवाज़ दे रही है। और देखा आपने कि हर टाइम शेल्टर पे जो शोर शराबा होता रहता था, अभी यहाँ पर बिल्कुल शांत हैं सभी जीव जितने भी हैं। ये देखो पिगी साथ में बैठी है इसके, राधा वहाँ बैठ गई, निकट बैठ गया, टॉम चुप होके बैठ गया, सीधी बैठी है, उधर जगीरा और पिजन बैठे हैं साथ में, डॉग्स भी चुपचाप बैठे हैं। तो एक अटैचमेंट, एक फील इन सभी जानवरों को होती है कि आज कुछ अच्छा हुआ है, कुछ नया हुआ है। तो अभी दूध पिलाते हैं इसे। ये टी-शर्ट ना खा, रुक जाना दे भाई, गिर रहे हो आप भाई, गिर रहे हो, थोड़ा दूध पियो फिर ताकत आएगी आप में। दीदी दूध पिला, तेरा बच्चा है, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं दूध तेरा। उठो भाई उठो, थोड़ा मम्मा पकड़ने नहीं आता कुत्ता। अरे नहीं, मतलब जैसे कुत्ते हैं बच्चे अपने आप पी लेते हैं ना। अरे ये इनको उसको भी नहीं पता होता, पुगी साइड हो जाए बेटा, दूध पी लेने दे इसको। भाई का नया दोस्त आया, बजरंगी भाई का साइड है पिगी बेटा, दूर भी लेंगे छोटा ही भाई, बस उधर मुकरे अकेला खाएंगे। इसके जेर पड़ेगी अभी, है ना जेर।
बैगी तेरे बच्चा दिख गया बैगी बच्चा हो गया अभी इसने दूध पी लिया मैं कर रहा बीबी दूध पी लिया इसने कट वो खड़ा है सामने पिगी घूम रही है अभी इसके ना जो जेर पड़ती होती है तो वो अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ अगर गिर गई ना उसके बाद इसे दबाना होता है ताकि कोई और एनिमल ना खा ले इसे तो जस्ट हम उसी की ही वेट कर रहे हैं कि ये क्लीन हो जाए एक बार अभी हमने इसके बच्चे को दूध पिला दिया है जो फर्स्ट टाइम का दूध होता है ना उसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है जिससे कि बच्चा बीमार नहीं होता चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स में हो या एनिमल्स में हो इनका जो फर्स्ट टाइम का जो मिल्क होता है खीस बोलते हैं जिसे पंजाबी में बोली भी बोलते हैं तो वो जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है बच्चे के लिए तो वो इसी बच्चे को वैसे तो सारा दूध ही इसका है बट वो पिलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बच्चे को इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ जल्दी से ना लग पाए तो अभी इसने एक बार दूध पी लिया है ये इसकी सारी फैमिली आ गई है पीछे और कबूतर साथ में बैठे हैं